वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सारा दिन वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, आज पूरा दिन आपके पर्सन के क्या थॉट्स रहे हैं, क्या इमोशंस रहे हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये रीडिंग आपको बहुत पसंद है, आप मुझसे हमेशा कमेंट में बोलते हैं कि मैम हर दिन की उनकी फीलिंग्स क्या रहीं वो ज़रूर बताइए। तो ठीक है, मैं फिर से एक बार ये वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। ठीक है, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक जब भी पहुँचा है, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट होगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप देख पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सारा दिन वह क्या सोच रहे थे, क्या थी उनकी फीलिंग्स, क्या थे उनके इमोशंस। व्यूअर्स, अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, ओके, तो आप मेरा न्यू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके, तो आप मुझे वहाँ पर देख सकते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि आज सारा दिन वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी, ओके, नाउ आई डोंट नीड टू, टेन ऑफ वैंड्स, ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी, ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज पूरा दिन वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आज उन्होंने पूरा दिन काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिश की कि वो आपको याद ना करें, आपसे मूव ऑन करें और आपके बारे में बिल्कुल ना सोचें। ऐसा उन्होंने आज पूरे दिन ट्राई किया है, लेकिन एट द एंड वो आपको मिस करने वाली फीलिंग को या आपको जो वो याद कर रहे थे उस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बार बार अपने मन को, दिमाग को ये बोलना कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, मुझे इस बारे में नहीं सोचना है, फिर भी उसी बारे में सोचना, तो ऐसा इनके साथ आज हुआ है पूरे दिन। इन्होंने बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही फोर्सफुली अपने आप को ट्राई किया कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन जितना फोर्सफुली ये ट्राई कर रहे थे उतना ही ज़्यादा इनके लिए टफ हो रहा था आपके बारे में ना सोचना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, साथ ही साथ ऐसा भी दिखता है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आपसे दूर चले जाना ही अच्छा है, आज इन्होंने इस बारे में सोचा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये डिसीजन ले रहे हैं ऐसा, इन्होंने जस्ट एक ख्याल अपने दिमाग में लाया कि आपसे मूव करना या आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाना, आपसे हमेशा के लिए एक दूरी बना लेना, ये करना सही रहेगा और इससे ना आपको हर्ट होगा ना उन्हें हर्ट होगा, इस तरीके की इन्होंने सोच रखी है। हो सकता है ये कहीं शिफ्ट भी कर रहे हों, ओके, ये पहले कहीं और रहते थे फिर कहीं और रहने चले गए हैं या कहीं और रहने जाने वाले हैं किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप से आपको दूर रखने की, ओके, ये खुद से कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे दूर रहें, आपकी फीलिंग्स से, आपकी यादों से दूर रहे, ऐसा ये ट्राई कर रहे हैं, ऐसा दिखता है मुझे। ओके, सॉरी फॉर द फ्लाई हियर, ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, देयर वाज अ फ्लाई, ओके। तो ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें,
बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये आज भी डीप डाउन मन में ये चाहते हैं, डिजायर जो है, मजबूरी नहीं कहूंगी, इनका डिजायर जो है वो सच में आज भी आपको प्राप्त कर लेना है, ये सच में आपको पाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में जीत जीत की तरह समझते हैं कि अगर इन्होंने आपको पा लिया तो इनकी जीत हो गई, तो इनकी विक्ट्री, इनकी सक्सेस ये आपसे रिलेट करते हैं। ये इनका डिज़ायर, डीपेस्ट डिज़ायर हम कह लें, आज भी यही है कि ये आपको पाना चाहते हैं। ओके, ये आपको आज भी पाना चाहते हैं, आप आज भी इनके लिए बहुत प्रीशियस हो और ये आज भी आपको अपनी लाइफ का सबसे प्रीशियस हिस्सा समझते हैं। मुझे नहीं पता है कैसी मजबूरियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या प्रेशर है, क्या कंट्रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पर, जिस वजह से ये ज़बरदस्ती अपने आप को रोक रहे हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें। आज भी इन्होंने यही किया, जबकि आज भी इनका डीपेस्ट डिज़ायर यही रहा था कि आप मिल जाएं तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए, आप इनकी इनके लिए वो जीत हो जो ये कब से चाहते हैं, ये आपके दिल पे राज करना चाहते हैं, ये आपका दिल जीतना चाहते हैं और आपसे शादी करके आपको अपना बना के ये अपनी जो विक्ट्री है वो अनाउंस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई ट्रॉफी समझते हैं तो जीत लिया, ये आपका प्यार एक ट्रॉफी समझते हैं। ये इनको इनकी जीत तभी है जब पूरी तरह से ये आपको अपना बना ले, लेकिन कुछ मजबूरी या सर्कमस्टेंसेस के चलते ये बार बार आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि दोनों की भलाई इसी में है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें व्यूअर्स ऐसा लगता है कि आप लेकिन इनके बिना खुश हो तो ये आपको क्यों डिस्टर्ब करें। इन्हें आपकी फ़ोटोज़ देखकर या आपके बारे में यहाँ वहाँ से पता करके ऐसा लगता है कि आप इनके बिना बहुत खुश हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। ओके, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप ग्रो कर रहे हैं व्यूअर्स, आप फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हैं, काफ़ी हैप्पी हैप्पी और कंप्लीट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, तो इन्हें तो ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, खुश हो इनके बिना, और आज सारा दिन भी इन्हें यही लग रहा था कि ये याद कर रहे हैं, इन्हें अपने दिल को संभालना पड़ रहा है। आप तो खुश हो, शायद आप मूव ऑन भी कर चुके हो, शायद आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, तो ऐसी ये इमेज बना रहे हैं आपके बारे में, या इन्हें ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि सच में आप इतने खुश हो इनके बिना, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है। ओके, दे आर फीलिंग, आई एम सॉरी, दे आर फीलिंग लाइक दिस। चलिए और कार्ड्स लेते हैं। व्यूअर्स से आपकी तरफ भाग कर आ जाना चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू मीट यू, ये इनके डिज़ायर्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं, जिन डिज़ायर्स के बारे में आज भी ये सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में बस यही करते हैं कि अपने फीलिंग्स को रोकते हैं। इनके दिमाग में ना कन्फ्यूजन सा है, इनका दिल आपकी तरफ झुकता रहता है, आपकी तरफ भागता रहता है, लेकिन इनका दिमाग इन्हें रोकता रहता है। तो आज भी इसी तरीके के मिक्स्ड फीलिंग्स में ये रहे हैं कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। इनका दिल कहता है कि ये भाग कर आपके पास आ जाएं, आप जहाँ कहीं भी हैं या आपसे मिलें, और ये सच में चाहते हैं कि आपसे मिलने, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, एक कॉल मैसेज, ये सिर्फ ऐसे नहीं, डायरेक्ट इन्हें आपसे बातें करनी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। ओके, ये ऐसा सोच रहे थे आज आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, व्यूअर्स ये जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, दे हैव सीरियस इमोशंस फॉर यू, ये सीरियस हैं आपके लिए, जेन्युइन है आपके लिए ये पर्सन, ठीक है, ये अपना प्यार भी जो आपको ऑफर करना चाहते हैं वो भी बहुत ही जेन्युइन है। ओके, आप शाम के टाइम कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, शाम के वक्त, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स ये ऑफ़र लेकर तो आप अब भी आपके पास आएंगे, रियलिटी बता रही हूँ, ये ऑफ़र लेकर तो आएंगे आपके पास ज़रूर, लेकिन इसमें लगेगा टाइम, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ऑफ़र है। ये ऐसा ऑफ़र होता है कि ये ऑफ़र लाने से पहले पर्सन 10 बार सोचता है कि जाऊँ या ना जाऊँ, ऑफ़र करूँ या ना करूँ, कन्फेस करूँ या ना करूँ, और इसी पूरे प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है। तो ये ऑफ़र बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही ग्रेजुअल होता है और बहुत ही लेट आता है,
तो ये ऑफर तो आपके पास आएगा लेकिन ये लेट आएगा। ये किंग ऑफ कप्स तो आपको ऑफर करेंगे लेकिन ये लेट ऑफर करेंगे, ऐसा लगता है अपनी मिक्स्ड फीलिंग्स की वजह से। टाइम बहुत लेंगे ये, ओके, दे आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक और कार्ड लेते हैं। हो सकता है ये अपना करियर बना रहे हो, इनका करियर अभी स्टेबल ना हो कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है ये आपको फाइनेंशियली स्टेबल देखते हैं पर अपना करियर बना रहे हैं। और अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल देखें या ना देखें, इन्हें अपने करियर का भी, अपनी स्टेबिलिटी का भी यू नो स्ट्रेस है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है। हो सकता है जब ये आपको देखते हैं कि आप खुश हो इनके बिना, आप मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड हो, आपको ज़रूरत नहीं है इनकी, तो ये भी फिर वही शो करने लगते हैं, यू नो कंपटीशन सा करने लगना और ऐसा सोचना कि अगर ये मुझे मूव ऑन करके दिखा रहे हैं तो मैं भी इनको ऐसा ही दिखाऊं, तो फिर ये आपको प्रिटेंड करने के चक्कर में लग जाते हैं। और आज भी इन्होंने ऐसा किया हो सकता है कुछ, जिसमें इन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि इन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको भी कोई मतलब नहीं है, ये भी आपको कोई वापस पाना नहीं चाहते, इन्हें भी कोई आपकी याद नहीं आ रही है। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत रूड, या मैं कहूँ कि बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड बिहेव किया हो सकता है अगर आपका इनसे आज कोई इंटरेक्शन हुआ है तो, वरना आज भी इन्होंने दिखाया ऐसा ही है, प्रिटेंड ऐसा ही किया है जैसे इन्हें भी कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन डीप डाउन दे आर हर्ट, दे लव यू, दे मिस यू। और ये भी सोचते हैं कि जब आपने लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है तो ये क्यों मुड़ मुड़ के देखते रहे। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इनका रियलाइजेशन का पॉइंट है जीवन में, ये इनका फेज जो चल रहा है ये रियलाइजेशन का चल रहा है। हो सकता है एक वक्त इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है और आपकी वैल्यू कम की है, और जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आए हैं, जैसे ही आप सेल्फ लव में आए हैं, वैसे ही आप अपने आप को प्यार करने लगे हैं, आप ग्रो भी कर रहे हैं, सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं अपने आप से, अपने आप में ही खुद को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। तो ये एनर्जी व्यूअर्स जो आप में आई है ये कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रही है, और ये ट्रिगर जब हो रहे हैं तो ये हर तरफ से सोच रहे हैं और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे अपने आप को। चाहे आपको एटीट्यूड दिखाएं, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, चाहे अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आपके बारे में याद नहीं करना है, और चाहे अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करें, स्टिल ये कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इनके इनको अब ट्रिगर करती है, क्योंकि आप अब वो नहीं रहे जिसको कोई भी यू नो हर्ट कर सके। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और देखते हैं इनकी आज की सिचुएशन क्या रही है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। हो सकता है व्यूवर्स आपके नाम में या इनके नाम में ए आता हो, के आता हो, AKSHRP, RP, TFVYMN, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में आते होंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आगे की सिचुएशन क्या है। नो, वो कार्ड आना नहीं चाहता बाहर। ओके स्लो, स्लोइंग डाउन, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने कहा था ना कि ऑफर तो उनकी तरफ से आएगा लेकिन बहुत स्लो होगा, और यहाँ टर्टल बना हुआ है, कछुए की चाल कितनी धीमी होती है, बस इसी चाल से ही आपके पास आएंगे, समझ जाइए आप। व्यूअर्स आप भी सोच रहे होंगे ना, मैम कितना वेट करें, दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो। व्यूअर्स रियलाइजेशन है, होते होते होता है। ओके, अनफोल्ड हो गया है कार्ड। व्यूवर्स ये आपको स्टॉप कर रहे हैं और एक आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आपने इनको अपने दिल से निकाल के फेंक दिया है। फेंक दिया है इज़ अ वेरी एक्सट्रीम सेंटेंस, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें अपने दिल से निकाल के, अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं और अभी सिर्फ आपको स्टॉप कर रहे हैं आउटसाइडर बनकर। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं अब इन्हें वापस अलाउ करेंगे या नहीं, वापस इन्हें वही वैल्यू देंगे या नहीं, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नवांग। ये लाइंस आपकी आपकी तरफ से हैं व्यूअर्स, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नवांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नवांग। इनोसेंस, इनोसेंस व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं आपकी इनोसेंस से, आपकी मासूमियत से व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, इन्हें बहुत पसंद है आपका भोलापन। लेकिन भोलापन पसंद होने से नहीं है ना, इन्हें आपका भोलापन पसंद है क्योंकि अगर आप भोले रहते हैं तो ये आपको आसानी से मैनेज कर लेते हैं, चाहे मैनिपुलेट करना हो या कुछ कन्वेंस करना हो, तो इन्हें आपका भोलापन बहुत पसंद है। कभी कभी आपका भोलापन आपके लिए एक डिसएडवांटेज की तरह वर्क करता है, बट नॉट ऑलवेज। तो इन्हें आपका भोलापन बहुत पसंद है, ये शायद मिस कर रहे हैं कि जब आप भोले भाले थे, सीधे साधे थे, वो समय कितना अच्छा था, पर वो समय शायद आपके लिए अच्छा नहीं था व्यूअर्स। ओके, तो इनकी सिचुएशन आज यही रही है कि आज ये बहुत मिस कर रहे थे आपके ओल्ड वर्जन को, और ये एक आउटसाइडर महसूस कर रहे थे अपने आप को, आपके जीवन में एक आउटसाइडर महसूस कर रहे थे, और ये बहुत स्लोली स्लोली मूव करने वाले हैं आपकी तरफ, और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। आइए देखते हैं आपका और इनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है, आप दोनों में से किसी का भी हो सकता है ये बर्थ मंथ। जनवरी, अगस्त, अप्रैल, जून, जुलाई, नवंबर, मार्च, दिसंबर, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। आइए चलिए देखते हैं आपका और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। 17/27/07, 5/15/25, 4/14/24, 17, यस आई ऑलरेडी सेड दैट, एंड 19/9/29, 19/9/29, एंड 6/16/26, 10/20/30, 6/16/26, 10/20/30, 2/12/22, ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका या इनका जन्मदिन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये डेट और ये मंथ आप लोगों के सिचुएशन से मैच करें, अगर ये मैच नहीं भी करते हैं तो भी ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स बहुत प्रीशियस हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऐसे ऐसे ही टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिल पाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।